सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो कल पढ़ा रही थी उसको अभी हिमानी ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया छोटा सा। तो एक्चुअल में इसे अगर मुझे एक लाइन में बताना हो तो आपका एग्जांपल खुद का लीजिए। अगर कोई भी पर्सन आपको जबरदस्ती पकड़कर या फिर आप बैठे हैं नॉर्मली चुपचाप से आपकी बॉडी में आके वो इंजेक्शन लगा रहे हैं तो क्या आप उसे लगाने देंगे किसी भी पर्सन को इंजेक्शन? नहीं ना, आप डिफेंस करेंगे, आप उसे रोकेंगे, ठीक है? और ज्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, उस पे अटैक भी करने की कोशिश करेंगे, आप उसे मारेंगे भी। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज प्रवेश ना करे जो आपको नुकसान पहुंचाए। आपको पता नहीं है क्योंकि वो चीज आपके अच्छे के लिए है या फिर आपके बुरे के लिए है, लेकिन आपको आपको बस पता है कि कोई है जो मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहा है किसी चीज को। तो आप क्या करेंगे, रोकेंगे, आप इंजेक्शन लगाने से रोकेंगे। आप अपने बचाव के लिए उस पर अटैक भी कर सकते हैं। यही चीज बैक्टीरिया करता है कि वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट होने नहीं देता है। कभी भी आपका बैक्टीरिया हो, कुछ ही बैक्टीरिया में ये रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है ये पाया जाता है, और जिनमें पाया जाता है वो जो बैक्टीरिया है वो अपने अंदर किसी भी फॉरेन डीएनए को प्रवेश करने नहीं देते हैं अपने अंदर, ठीक है? और वो क्या करते हैं इसके लिए, वो उस डीएनए पे अटैक भी करते हैं। उस डीएनए को वो अटैक करने के लिए सबसे पहले तो जिस रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जिन बैक्टीरियाज में पाया जाता है उनमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पाया जाता है। ये जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ये दो एंजाइम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? जिसमें एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दूसरा एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, इस फॉरेन डीएनए को जो रहेगा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। पहले तो उसे वो तोड़ देगा, क्लीवेज कर देगा, ठीक है? उसके बाद ये एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इन्हें और डिग्रेड करेगा जिससे ये पूरे तरीके से इनका इन्फेक्शन चले जाएं और इनके इन्फेक्शन भी नष्ट हो जाए और ये भी पूरे अच्छे से डिग्रेड होके नष्ट हो जाए ताकि ये बॉडी में घुस ही नहीं पाए, बैक्टीरिया की बॉडी में घुस ही ना पाए, अंदर इंसर्ट ही ना हो पाए। तो ये बैक्टीरिया डिफेंस सिस्टम है, ये रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है बैक्टीरिया के बचाव के रख रखाव के लिए, अपने लिए जो है बचाव के लिए, बैक्टीरिया के खुद के बचाव के लिए एक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है जो बैक्टीरियाज में पाया जाता है, ठीक है? कल मैंने इसके बारे में जब आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने अब ये भी बताया था आप लोगों को कि जितने टोटल बैक्टीरियाज पाए जाते हैं उनमें से आप लोगों का जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं अगर उनकी बात की जाए तो ये कितने होते हैं आपका, एक मिनट, हाँ अल्टीमेटली जो है जितने टोटल बैक्टीरियाज में से एक चौथाई जो हिस्सा है वो उन बैक्टीरियाज में सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है वो पाया जाता है, और इस एक चौथाई का हाफ हिस्सा, ठीक है, मतलब जो आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा या फिर एक चौथाई हिस्से का भी आधा, मतलब बहुत कम हो गया। अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द नोन बैक्टीरिया पोजेस आरएन सिस्टम एंड ऑफ दीज अबाउट 1.5 हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सिस्टम, जिनमें से आधे में इस रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के अलावा भी कुछ और सिस्टम भी रहते हैं, ठीक है? मोर देन वन टाइप ऑफ सिस्टम जो है उपस्थित होते हैं, ठीक है? ये चीज बताया था मैंने कल आप लोग को लास्ट लास्ट में। तो हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट वाले को समझा था कि ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता क्यों है बैक्टीरिया में, इसके होने से क्या फायदे होते हैं। हमने इसको देखा था अभी जितना हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ये हमने इतना कंप्लीट समझा था कल। इसके आगे के पार्ट को हम देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे। इसके हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे आज हम लोग, ताकि हमको पता चले कि इसके बारे में जब पता चला तो कहाँ से पता चला, कैसे पता चला। अब देखिए आगे जो मैं बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे।
रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला, ये क्या कर रहा है कि अब जो बाहर से जो डीएनए आ रहा है उसे नष्ट करने के लिए रहता है ये। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस चक्कर में ये खुद के डीएनए को भी नष्ट कर दे, इसलिए इसे पता होना चाहिए कि कौन सा डीएनए मेरा है कौन सा डीएनए बाहर का है। ठीक है, तो जैसे कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरिया है आपका, इस बैक्टीरिया में आपका जो डीएनए है बाहर का जो डीएनए है वो ये जो है इंसर्ट होने की कोशिश कर रहा है, इंसर्ट होने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए इंसर्ट हो भी गया, चलिए इंसर्ट हो गया ये, लेकिन इसे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसे उसी टाइम वो नष्ट करने की कोशिश करेगा आरएम सिस्टम, क्योंकि उपस्थित होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये इसे नष्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो है ये काम करता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये किस प्रकार से कार्य करता है ये भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि हो सकता है कि ये कभी ऐसा हो जाए कि ये रिकॉग्नाइज ना कर पाए कि मेरा डीएनए कौन सा है और बाहर का डीएनए कौन सा है? उसे अगर समझ नहीं आएगा तो उस चक्कर में वो अपना डीएनए को नष्ट ना कर दे। तो इसके बारे में भी एक चीज बताई गई है, एज द सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर वेरी शॉर्ट, द बैक्टीरियम इटसेल्फ विल ऑलमोस्ट सर्टेनली कंटेन सम विद इन इट्स जीनोम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ओन डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिथाइल ग्रुप्स आर एडेड। जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो काम करता है डिस्ट्रक्ट करने का, नष्ट करने का आपके फॉरेन डीएनए को, अपने डीएनए को ताकि वो नष्ट ना कर दे, इसके लिए वो एक ऐसा चीज करता है, एक चीज ऐड करनी होती है जिससे आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो अपने डीएनए को नष्ट ना करे, अपने डीएनए और बाहर के डीएनए में फर्क को समझ पाए कि हाँ ये मेरा डीएनए है, हाँ ये बाहर का डीएनए है। और फर्क समझेगा तभी ठीक है, अगर वो फर्क नहीं समझा तो वो खुद के डीएनए को, ठीक है, खुद के डीएनए को वो क्या करेगा, खुद के डीएनए को ही वो पूरा नष्ट कर देगा, जो कि नष्ट किया तो मतलब पूरा बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा। तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है, एक मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है ताकि वो अपने खुद के डीएनए को डिस्ट्रक्ट मत कर दे, इसलिए मिथाइल ग्रुप्स को ऐड किया जाता है। दिस मॉडिफिकेशन मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द डीएनए बेस पेयरिंग एंड देयरफॉर यूजुअली ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक बेसेस आर मॉडिफाइड ऑन ईच स्ट्रैंड। क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के साथ एक मिथाइल ग्रुप जो है इनको ऐड किया जाता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ऐड होने से हेल्प ये मिल जाती है कि हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है जो काम करने वाला है वो क्या करेगा कि वो अपने डीएनए और बाहर के डीएनए में फर्क को समझेगा, नहीं तो फिर उस चक्कर में वो नहीं समझ पाया फर्क क्या है तो फिर वो खुद के डीएनए को जो है वो नष्ट कर देगा। ठीक है, खुद के डीएनए को वो क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, इसलिए जरूरी है कि उसे फर्क पता चले, इसलिए एक मिथाइल ग्रुप को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है जिससे अपने खुद के डीएनए को वो नष्ट ना करे। उसके बाद बताया गया है इसमें, फॉरेन डीएनए को इसलिए भी रोका जा रहा है बैक्टीरिया के द्वारा कि फॉरेन डीएनए आएगा, ये जो फॉरेन डीएनए है जो ये प्रवेश कराया मैंने ये वो वाला है, और ये जो ग्रीन कलर से मैंने बताया बनाया ये जो है कौन सा वाला है, ये वो वाला डीएनए है जो इसका खुद का है, इसमें जो बेस पेयर्स हैं ATCG ATCG करके उसमें आके ये दखल अंदाजी कर सकता है नया वाला डीएनए, जिससे डीएनए में चेंजेस हो सकते हैं। बैक्टीरिया को ये बात पता है इसलिए बैक्टीरिया क्या करता है कि उसे जितना हो सके जितने हद तक हो सके रोकने की कोशिश करता है, ताकि उसके डीएनए के साथ छेड़खानी ना हो, उसके डीएनए के बेस पेयर के साथ कोई दखलअंदाजी ना करे। इस चीज का ध्यान रखने के लिए जरूरी है कि वो उस डीएनए को नष्ट कर दे जो बाहर से आया है। लेकिन जो चूंकि हम जब ये सब चीज जानते हैं फिर भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, जीन क्लोनिंग की प्रोसेस करते हैं, तो उस समय हमको क्या करना रहता है इसे रोकने के लिए, ताकि हमारा जो बैक्टीरिया है वो दूसरे डीएनए को, मतलब हमारे बनाए हुए डीएनए को जिसको हम डाल रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर, वो उसे नष्ट मत करे।
उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्मल शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इलेक्ट्रोफ्यूजन करवाते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन कराते हैं, ताकि हमारा जो डीएनए आसानी से अंदर जा सके और अपनी क्रिया कर सके। ठीक है, अब इसमें जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये तो आपको पता चल गया था कि ये डीएनए को क्या करता है, क्लीव करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देता है। लेकिन जहां तक बात है एंडोन्यूक्लियस की, तो एंडोन्यूक्लियस में मैंने यही बताया था बस कि ये सिर्फ डिग्रेड करता है। तो ये डिग्रेड किस प्रकार से करता है उसे देखते हैं। जो एंडोन्यूक्लियस होता है, ये आपके जो इंटरनल और नॉन टर्मिनल आपके जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं आपके डीएनए में, जो डीएनए के आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, उन्हें ये क्या करता है, पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, नष्ट करने की कोशिश करता है। और किसे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को। ठीक है, इन्हें ये कंप्लीटली क्लीव करेगा, तोड़ेगा। दे डू सो ओनली आफ्टर द रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस इन डीएनए विच आर यूजली 4 to 6 बेस पेयर्स लॉन्ग एंड ऑफर पैलिंड्रोमिक। लेकिन जो ये एंडोन्यूक्लियस है, ये काम तब करेगा जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है कि वो जो आपका लॉन्ग डीएनए था, उस डीएनए को आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, काट दिया, क्योंकि वो एक कैंची की तरह कार्य करता है, मॉलिक्यूलर कैंची है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह। ये तो किसने किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम कौन करता है, ये एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इन छोटे छोटे जो डीएनए के टुकड़े रहते हैं, पहले तो वो उन्हें रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये छोटा टुकड़ा है कि नहीं। छोटा टुकड़ा रहेगा, कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ 4 से 6 बेस पेयर्स के होंगे। वैसे तो हमारे बेस पेयर्स बहुत लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट रहता है, लेकिन चूंकि ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं डीएनए, तो इनका जो बेस पेयर्स है वो सिर्फ 4 से 6 बेस पेयर्स ही उपस्थित रहेंगे। तो 4 से 6 बेस पेयर्स उपस्थित रहेंगे अगर, तो उन्हें पता चल जाएगा इन एंडोन्यूक्लियस को कि हाँ ये छोटे छोटे वाले हैं, तो अब हमें इन्हें क्या करना है, तोड़ना है। क्या तोड़ना है, इनमें उपस्थित फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हमें तोड़ना है। तो लेकिन उसे तोड़ने से पहले जो एंडोन्यूक्लियस है, वो पूरा श्योर होना चाहता है, कंफर्म होना चाहता है कि हाँ भाई ये सच में मैं जिसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, वो सच में छोटे छोटे डीएनए ही है ना, जिसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने तोड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने डीएनए को ही बर्बाद कर दे रहा हूँ। इसलिए जरूरी है कि जो आपका एंडोन्यूक्लियस है क्या देखता है, 4 to 6 बेस पेयर्स के जो लॉन्ग वाले डीएनए रहते हैं, जो कि छोटे छोटे रहते हैं, जिन्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने तोड़ा हुआ है, उनमें उपस्थित जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स रहते हैं, उनको ये तोड़ने का, नष्ट करने का काम करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, आपका जो डीएनए है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये जो तरीका है आपका एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो करता है आपके फॉरेन डीएनए को नष्ट करने के लिए, फॉरेन डीएनए से ताकि छुटकारा मिल सके, फॉरेन डीएनए से किसी प्रकार का इन्फेक्शन हमारे डीएनए को या हमारे बैक्टीरिया को ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सब म्यूट रखेंगे बेटा अपने आप को। हाँ, देखिए अब हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि हिस्ट्री मतलब हम लोग को पता कब चला ये रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम नाम का कोई सिस्टम होता भी है, इसके बारे में हमने कैसे जाना, थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री में द आरएम सिस्टम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सेल्वेटोर लूरिया एंड मैरी ह्यूमन इन 1952 एंड 1953। जो इस सिस्टम के बारे में मतलब जो आरएम सिस्टम है हमारा, इस आरएम सिस्टम के बारे में जो है सबसे पहले पता चला सेल्वेटोर लूरिया और मैरी ह्यूमन, इन दोनों साइंटिस्ट को सबसे पहले पता चला आरएम सिस्टम के बारे में 1952 और 1953 में। ठीक है, ये 1952 और 1953 में इन दोनों साइंटिस्ट लोगों को इसके बारे में पता चला कि आरएम सिस्टम कुछ होता भी है, बैक्टीरिया में उपस्थित होता है। इन्होंने क्या देखा, इसे देखते हैं। दे फाउंड दैट बैक्टीरियोफेज ग्रोइंग विद इन एन इन्फेक्टेड बैक्टीरियम
could be modified so that upon their release and reinfection of a related bacterium, the bacteriophage growth is restricted. जब इन्होंने नोटिस किया कि जो बैक्टीरियोफेज रहता है, बैक्टीरियोफेज मैंने बताया था कल ही आप लोगों को, जो वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया रहता है तो वो क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है. तो जो बैक्टीरियोफेज है, इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरियोफेजेस क्या करते थे कि इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के साथ ही वो ग्रो करते जाते थे धीरे धीरे, और वो उनमें मॉडिफिकेशन होते रहता था. वो बैक्टीरियोफेजेस की बात चल रही है ना यहाँ पर. बैक्टीरियोफेजेस क्या करते थे, इन्फेक्टेड बैक्टीरियम के साथ या फिर इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के साथ ग्रो करते थे, और ग्रो कर करके वो क्या होते थे, मॉडिफाई होते रहते थे. अच्छे से ग्रो करते थे और मॉडिफाई होते रहते थे, मॉडिफाइड होते रहते थे. फिर क्या हुआ देखते हैं. सो दैट अपॉन देयर रिलीज एंड री इन्फेक्शन ऑफ अ रिलेटेड बैक्टीरियम द बैक्टीरियोफेज ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड. लेकिन जैसे ही ये मॉडिफाई होते हैं और मॉडिफाई करके ये दूसरे बैक्टीरिया को जैसे ही दूसरे बैक्टीरियम में, ये नया बैक्टीरियम है, पहले तो वो बैक्टीरियोफेजेस जो वायरस जिस बैक्टीरिया में जाके इन्फेक्शन ऑलरेडी कर चुका है, वो इन्फेक्टेड बैक्टीरियम के साथ धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं. फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, दूसरे बैक्टीरियम में अटैक करने की कोशिश करते हैं, दूसरे बैक्टीरियम के अंदर, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं. कौन, ये जो बैक्टीरियोफेज रहते हैं जो बड़े हो रहे हैं वो, ठीक है. तो जैसे ही ये इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरे बैक्टीरियम के साथ, दूसरे बैक्टीरियम के अंदर, तो उस टाइम में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. मतलब ये जो बैक्टीरियम है उसमें ऐसा कुछ रहता है कि वो उसे अंदर आने ही नहीं देता है, वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है आने के लिए, नहीं यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं. ये चीज को बताया गया है, द ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड. इस चीज को इन्होंने नोटिस किया लूरिया और ह्यूमन ने, मैं सेल्वेटोर लूरिया एंड मैरी ह्यूमन में, इन ह्यूमन जो दोनों साइंटिस्ट थे, इस चीज को नोटिस किया, जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होते थे उन्हें रोकता था. हमारा कुछ तो ऐसा कुछ है जो उनको प्रतिबंध लगा देता था, रिस्ट्रिक्ट कर देता था कि प्रतिबंध लग गया है, तुम नहीं आ सकते अंदर करके, ठीक है. इन 1953 जीन वेगिल एंड ग्यूजिप पेटानी रिपोर्टेड सिमिलर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स कंट्रोल्ड मॉडिफिकेशन. उसके बाद 1953 में दो और साइंटिस्ट आए, इन्होंने चलो ऐसा नोटिस किया और पता चला कि आरएम सिस्टम होता है. उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट 1953 में, जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीन वेगिल, और ग्यूसिप बेटानी, ये दोनों साइंटिस्ट हैं. अब इन दोनों साइंटिस्ट ने आरएम सिस्टम को और अच्छे से देखा, उन्होंने तो बता दिया, इसके बाद इन्होंने और देखा उस सिस्टम के बारे में, समझा, और इन्होंने सिमिलर एग्जाम्पल दिया होस्ट कंट्रोल्ड मॉडिफिकेशन सिस्टम का, जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफेज को यूज करके होस्ट कंट्रोल मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया. इसके बारे में होस्ट कंट्रोल्ड मॉडिफिकेशन सिस्टम, जो एक्चुअल में आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, और ये क्या होता है इसे हम लोगों को पढ़ना है, होस्ट कंट्रोल्ड मॉडिफिकेशन, ठीक है. तो ये होस्ट कंट्रोल मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में कौन, किसने बताया, 1953 में जीन वेगल और ग्यूसिप बेटानी ने, और इन्होंने कैसे बताया, क्योंकि इन्होंने स्टडी किया रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में, स्टडी किया अच्छे से, सेम एग्जाम्पल को देते हुए होस्ट कंट्रोल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया बैक्टीरियोफेज को यूज करते हुए, ठीक है. तो ये अब होस्ट कंट्रोल्ड मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में इंटरनेट पे और बुक्स में ज़्यादा डेटा नहीं दिया गया है, क्योंकि मेन जो पढ़ा जाता है वो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम पढ़ा जाता है. होस्ट कंट्रोल मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में सिर्फ कुछ ही चीज़ें ही पता चली हैं, ठीक है. तो इसके बारे में जो चीज़ें मुझे पता चली हैं उसके बारे में देखते हैं. रिस्ट्रिक्शन सिस्टम अलाउ बैक्टीरिया टू मॉनिटर द ओरिजिन ऑफ इनकमिंग डीएनए एंड टू डिस्ट्रॉय इट इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक सीक्वेंस
चलिए, तो मैं बता रही थी आप लोगों को होस्ट कंट्रोल्ड रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन सिस्टम होता है वो होता क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम रहता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। और वो क्यों रहता है, ताकि कोई भी फॉरेन डीएनए अगर प्रवेश करे तो उस पर वो प्रतिबंध लगाए और अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए जो है वो कार्य करे, ताकि कोई भी इन्फेक्टेड डीएनए या इन्फेक्टेड बैक्टीरिया कोई भी प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले तो उस फॉरेन डीएनए को रिकॉग्नाइज करना होता है कि सच में वो फॉरेन डीएनए है या नहीं। ठीक है, फॉरेन डीएनए पता चल जाता है, उसके बाद क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस जो है वो क्या करता है, सामने वाले डीएनए की सीक्वेंसिंग को समझता है कि कैसा डीएनए का सीक्वेंसिंग है, कैसे बेस पेयर्स लगे हैं, और उन्हें क्या करता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। कौन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है उसको, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग साइट्स पे उसे वो तोड़ देने का काम कर देता है, जिससे हम लोगों के पास छोटे छोटे टुकड़े डीएनए के आ जाते हैं। ठीक है, कौन करेगा इस काम को, आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसने बड़े डीएनए को उसने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फ्रेगमेंट्स हो गए छोटे छोटे डीएनए के। अब क्या होगा, दस प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम सक्सेसफुली रेप्लिकेटिंग एंड पैरासिटाइजिंग द सेल, जिससे वो क्या किया, जिसके थ्रू उसने क्या किया, बैक्टीरिया को बचा रहा है, अपने बैक्टीरिया को, ताकि कोई भी दूसरा डीएनए जो है वो प्रवेश ना कर सके, और प्रवेश करे भी तो इन्फेक्ट ना कर सके, इस चीज को वो कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, द रिस्ट्रिक्टिव होस्ट मस्ट ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए फ्रॉम द पोटेंशियली लीथल इफेक्ट्स ऑफ द एंडोन्यूक्लियोसिस, एंड सो इट्स डीएनए मस्ट बी अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड। मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स मिथाइलेशन ऑफ होस्ट कंट्रोल्ड रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इसके बारे में यही बताया है कि होस्ट कंट्रोल मॉडिफिकेशन सिस्टम यही है कि होस्ट अपने, होस्ट जो है वो कौन है जिसके अंदर आप प्रवेश करवा रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया जिसके अंदर आरएम सिस्टम पाया जा रहा है। तो होस्ट अपने खुद के बचाव के लिए जब ये सब चीजें करता है कि वो डीएनए को नष्ट करने की कोशिश करता है, उसे ही होस्ट कंट्रोल्ड मॉडिफिकेशन सिस्टम कहा जा रहा है। अभी तक की इसके बारे में यही पता चला है मुझे, इतना ही डेटा मिला था, क्योंकि आगे की क्लासेस में, कल की क्लासेस में मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आज की क्लास में यहीं तक मैं बताऊंगी। ठीक है, तो